अच्छा जी, अब हम निकल रहे हैं उस माँ के घर की तरफ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉर्म आया था, उस स्टॉर्म में तबाही मचाई हुई है। तुम्हें 2 मिनट में आना है। आपके सामने ही है, हमने इससे बात की, 2 मिनट में आ रहा है, मगर इसने 10 घंटे लगा दिए। जो स्टॉर्म ने तबाही मचाई है, कुछ ज्यादा ही तबाही मचाई। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमें लगा था कि बंदे ने स्नो हटा दी होगी, मगर ये तो काम थोड़े यहाँ पे स्लो चल रहे हैं। मगर देखें आप, रोड्स यहाँ पे 2 सेकंड में क्लीन हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही स्टॉर्म खत्म होता है यहाँ पे जो है वो प्लाव वाले ट्रक चलने लग जाते हैं और आपको फौरन जो है रोड साफ सुथरी मिल जाती है। हम गॉन्स टाउन आए हुए हैं और छोटा सा टाउन है, यूरोपियन स्टाइल। हम बाहर से भी वीडियो दिखाएंगे, लेकिन इस टाइम हम थोड़ी पेंट पूजा कर रहे हैं। हम रेस्टोरेंट आए, यहाँ पे जाद अल बादशाह रेस्टोरेंट है, मिडल ईस्टर्न, वहाँ से खाना खाने आए हैं। ये जेवी हमारे साथ हैं। जी, आप क्या खा रहे हैं? मैं खा रहा हूँ हमस। हमस खा रहे हैं ऑथेंटिक ब्रेड के साथ। लेडी, मेरी इसके बारे में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल राय है। इट्स पीटा ब्रेड, उन्होंने ऐसी जो है पैकेट वैसे निकाल के गर्म करके दे दी है, और हमस जो है वो ऐसा होता है वैसा ही है। और बाकी वो तो कह रहे हैं ऑथेंटिक है ना, तो हम तो जो ओनर कह रहा है उसकी बात मानेंगे। मतलब ब्रेड पे जो है 10 में से तो एक ही नंबर में दूंगा। और हमस के कितने नंबर? हमस कोई खास नहीं है। लो जी, खास कोई है ही नहीं चीज़, खाली ब्रेड के क्या नंबर, वो तो नॉर्मल पीटा ब्रेड है। बाकी खाना आता है, हमने बाकी खाना भी ऑर्डर किया, वो भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कैसा है। और हम बाहर से भी आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं। आते साथ उन्होंने हमें छोटे छोटे कप्स दिए हैं जो इनकी अरेबियन कॉफ़ी है, उसके मैं आपको दिखाता हूँ। कॉफ़ी बहुत मज़े की थी, नो डाउट, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है जिनको पता। ये देखें, छोटी से कप के अंदर उन्होंने कॉफ़ी डाली है। तो बाहर बहुत ठंड थी, तो आए हैं हम तो छोटे छोटे सिप लेते हैं, जो हमें बड़ा मज़ा आया। साथ हमें जो है वो उन्होंने ये देखें छोटी सी चीज़ के अंदर खजूर दी है, खजूरें दी हैं हमें कि कॉफ़ी के साथ जो है वो खजूरें जो है वो हम खाएं। रेस्टोरेंट में डाइनिंग जगह जो है वो अच्छी है, छोटी सी जगह बट वाइब अच्छी है। क्यों जे, रेस्टोरेंट में जगह आपको कैसी लगी है बैठने की? वाइब अच्छी है, जगह रेस्टोरेंट में बैठने की जगह अच्छी है, मगर हमस से थोड़ा सा हमारा मूड बिगड़ा हुआ है। होपफुली अगर खाना अच्छा हुआ फिर दोबारा आ सकते हैं। हाँ, आप जरा ओपन माइंड रखें। तो यह है कि जगह अच्छी है, छोटी जगह है, लेकिन इन्होंने अच्छी सेटिंग की हुई है। इन्होंने वो अपने टिपिकल मिडल ईस्टर्न जो है वो डेकोरेशन भी जो है की हुई है, तो वाइब अच्छी है जगह की। बैठने की जगह भी बहुत अच्छी साफ सुथरी है, और ये हुक्का लाउंज भी है। मेरा ख्याल है डिनर टाइम में ज़रा यहाँ पे थोड़ा रश हो जाएगा तो लोग आएंगे और थोड़ा कैफ़े टाइप वाइब भी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ हम लोग ही हैं। तो यहाँ से आप डोयल्स टाउन का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा टाउन है। ले जी, खाना आ गया हमारी टेबल पे। मैंने मंगवाया है मिक्स शवरमा प्लेटर, और जे आप बताएं आपने क्या मंगवाया है? चिकन शवरमा। अच्छा, इधर खोल के दिखाएं ना, जरा अंदर से हमें दिखाएं ना जी। देखें, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, और साथ उन्होंने सैलेड दिया है, साथ सॉस दिया है। मेरे भी प्लेटर में जो है वो कुछ सैलेड है, चावल है और मीट है, और हमारे जो कैमरा मैन है उन्होंने चिकन तवूक जो है वो मंगवाया है। चावल जो है मुझे पर्सनली मिडल ईस्टर्न जगह पे जब जाएं तो वो जो मोटे अरबी चावल होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनके जो है वो मेरे ख्याल है बासमती राइस है जो कि ठीक है, और जो मीट है वो अच्छा है, वो डेफिनेटली एज वन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट, ये वो चीज़ है। सैलड जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डाला हुआ उन्होंने, आलू हैं बीच में, रसल स्प्राउट्स हैं और मिक्स वेजेज हैं, कैबेज वगैरह, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन आलू जो है वो थोड़े से मेरे टेस्ट के लिहाज से ज़रा सख्त है, अभी कच्चे हैं।
कच्चा पन है। हाँ जी, आप बताएं आपका कैसा शवारमा? चिकन शवारमा जो कि पीड़ा ब्रेड के साथ आया था, टेस्ट वाइज मुझे तो अच्छा लगा, मगर कंपैरेटिवली अगर आप इसका साइज देखें तो ये क्वांटिटी वाइज जो है वो कम है। तो बाकी यू नो प्रेजेंटेशन अच्छी है और जो सर्विंग साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि टेस्ट तो अच्छा है। टेस्ट ठीक है आपके ख्याल में? 10 में से मैं एटलीस्ट 8 नंबर तो दूंगा टेस्ट के, टेस्ट के। लेकिन अगर प्राइस को भी कंसीडर करें तो फिर मैं 5 नंबर दूंगा प्राइस वाइज जो है। अच्छा, कि जिस तरह से प्राइस है उस हिसाब से जो क्वांटिटी नहीं है, तो ये चीज़ आपको दूसरे अगर इस तरह के रेस्टोरेंट पहुँच जाए तो ब्रेड थोड़ी जो है थिक होगी और उसके अंदर मीट भी ज़्यादा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं सैलड थोड़ी ज़्यादा भरी हुई है, मीट का पोर्शन बहुत कम है। बाकी टेस्ट सही है, टेस्ट ठीक है, चटनी का टेस्ट भी सही है। टेस्ट वाइज जो है वो अच्छी है, मगर इट्स डेफिनेटली ऑन द प्राइसी साइड, क्वांटिटी को जहन में रखते हुए। अब ये जो मिक्स शवरमा है मेरा, वो तकरीबन मिक्स शवरमा प्लेटर जो है वो कुछ 26-27 जो है वो उसकी कीमत है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्लेट में उतना मटेरियल है नहीं, तो महंगा है ये क्वांटिटी को देखते हुए। और यही सेम रिव्यूज़ जो है वो हम ये चिकन तबूक प्लेटर के बारे में भी हैं। सैलेड वही सेम था जो चिकन शवरमा प्लेटर में था मेरे, और चिकन जो है वो वेल कुक था, टेस्टी था, मगर ये भी $22 की प्लेट थी, तो क्वांटिटी डेफिनेटली जस्टिफाइड है। मुझे लगता है कि जो आपने टू गो करवाया है वो आपको यहीं खाना पड़ेगा। हाँ, एक हमने आइटम टू गो भी कराई है, तो वो चिकन शवरमा प्लेटर था ये इसकी तरह का, जिसमें ये मेरे में मिक्स मीट है, जो मैंने टू गो कराया वो सिर्फ चिकन वाला, तो जाहिर है अब क्वांटिटी उसकी भी उतनी ही होगी, वो हम अभी खोल के इधर ही खाएंगे। क्यों जे, आप खाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि यहीं खाना पड़ेगा, यहीं खाएंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल सही है। ये जगह जहाँ हम इस टाइम बैठे हुए हैं, ये हुक्का लाउंज नहीं है, अगर किसी को हुक्का पीना है, वो कैफे स्टाइल वाइव लेनी है, तो वो नीचे की बेसमेंट में, और हम खाना खाने के बाद वो भी जो है वो चेक करेंगे कि वो जगह कैसी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, तो देखिएगा। इसमें जो सैलड था उसकी आइटम्स की सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी यूनिक साइड पे थी, थोड़ी एलिवेटेड थी बाकी मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट से। तो मैं एक मीट लवर हूँ, सैलड्स मैं इतने खाता हूँ नहीं, लेकिन इनके सैलड में स्प्राउट्स थे, ब्रोकली थी, आलू डाले हुए थे बेक करके, जो कि यूजुअली मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स में, आप कहीं भी गए सैलड अगर आपके खाने के या प्लेटर में साथ पड़ा हुआ, उसमें गंदी सी लेटस होगी, अनियन होंगे या टमाटर होंगे, या मे बी थोड़े बहुत पिकल्स डाल देंगे मिडिल ईस्टर्न लोग जो है, तो ये डेफिनेटली एक जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है जो इधर जाता है। अच्छा जी, हम नीचे आ गए रेस्टोरेंट बेसमेंट में, ये बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ, यहाँ पे बार लगी हुई है, यहाँ पर हुक्का से मेरा ख्याल है सेट करते हैं, शीशा या हुक्का जो भी कह लें आप, और काफ़ी जो है वो बड़ी जगह है, और सिटिंग अरेंजमेंट भी बड़ा जो है वो अच्छा है और कूजी है, उसका जो है ये मीटिंग रूम लग रहा है, कॉन्फ्रेंस यहीं पर होती थी सारी जो है, बड़े वो कल्चरल जो है पड़ी हुई है, और इनका अपने ट्रेडिशनल वो बर्तन भी इन्होंने रखे हुए हैं कावा या कॉफी पीने के लिए। बिल्कुल, ये लैंप आप देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक दिया गया है, ये देखें वॉल पे ये जो चीजें चिपकाई हुई हैं, ये भी आपको पूरा अच्छा सा लुक दे रही है। हाँ, ये देखें ये स्टेप स्टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये जो है वो ड्रम ढोलक की तरह लग रहे हैं, मगर ये इस पर आप बैठ सकते हैं, ये बहुत ही काफी है, इससे काफी जगह कोई खो नहीं सकता। अच्छा जी, ये हम डॉयल्स टाउन मेन स्ट्रीट पे हैं, जहाँ हमने खाना खाया है, नाद अल बादशाह रेस्टोरेंट है, ये उसकी एंट्रेंस है, देखने में जो है वो सारा ये ओल्ड टाउन है, यूरोपियन वाइब है सारी की सारी, अगर आप बाकी स्ट्रीट का भी व्यू दें तो ये बहुत छोटा सा टाउन है और पुरानी पुरानी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। पार्किंग का यहाँ ज़रूर थोड़ा सा वो इशू ये है कि आपको मेन रोड पे जो है वो मेन स्ट्रीट पे पार्किंग जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, जैसे बाकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो ओवरऑल छोटा टाउन है, बहुत अच्छा है, पीसफुल टाउन है, ज़्यादा हसल बसल जो है वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने एक दो डिज़र्ट्स की जो है वो स्पॉट्स देखे हैं, तो वो अभी हम ट्राई करेंगे।
ला मैक्रोन फ्रेंच पेस्ट्री, ला मैक्रोन फ्रेंच पेस्ट्री। इस शॉप का नाम है, शॉप बड़ी जरा कलरफुल सी है, क्यों जी आप बताएं कैसी है शॉप? शॉप अच्छी बनी हुई है, आइसक्रीम के काफी फ्लेवर्स हैं, मगर मैंने इट्स नॉट आइसक्रीम एक्चुअली, जेलाटो। अच्छा जी, ये जेलाटो है, थोड़ा टेक्निकल हो जाए, होने का बहुत शौक है। हम आए हैं किसी जेलाटो शॉप में, जहाँ जेलाटो शॉप नहीं है, तो कौन सी शॉप? पेस्ट्री शॉप है। अच्छा जी, इनको ना करेक्शन करने का बहुत शौक है, तो हम आए पेस्ट्री शॉप में, ठीक है। अच्छा जी, इन्हें करेक्शन करने का बहुत शौक है, तो हम आए हैं फ्रेंच पेस्ट्री शॉप में, जहाँ अब सही है, हाँ, जहाँ मैंने ऑर्डर किया हॉट चॉकलेट जो आ रही है, और इन्होंने और मैंने ऑर्डर किया पिस्ताशो जेलाटो, पिस्ताशो जेलाटो मैंने टेस्ट किया, बहुत मजेदार टेस्ट है उसका, इसलिए वो ऑर्डर किया मैंने, तो वो अभी खाएंगे और आपको बताएंगे। ले जी, आइसक्रीम ले लिया मैंने अपनी, और जे आप भी आ जाएं इधर। अच्छा जी, मैंने हॉट चॉकलेट मेरे हाथ में है, मगर क्या दम नहीं है, दम नहीं है बिल्कुल, श्योर? बिल्कुल श्योर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा ऑथेंटिक हॉट चॉकलेट है जो आपको पसंद नहीं आ रहा? थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर कम, वनीला का फ्लेवर ज्यादा, तो वहां उस पे लिखा हुआ था कि ये हॉट कोका है। ठंड में पी जाती है हॉट कॉफी, गर्मियों में खाई जाती है आइसक्रीम। नहीं, ठंड में आइसक्रीम भी खाई जाती है ज्यादा शौक से, और ठंड में हॉट चॉकलेट भी पी जाती है, दोनों चीजें चलती है ठंड के हाइट में। नहीं हाँ, ये बात मैं आपको क्लैरिफाई करूँ, हाँ। इनको मौसम वेदर क्या चल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको जो है जो खाना है, जो पीना है, जो टेस्ट करना है, वो हम करेंगे, तो वेदर से कोई लेना नहीं है, वो हम करेंगे। और बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि ठंड में आप आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करेंगे या हॉट चॉकलेट पीना ज़्यादा पसंद करेंगे। वैसे तो दोनों आइटम्स लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप कमेंट्स में जरूर बताएं कौन जो है वो हॉट चॉकलेट पार्टी है और कौन आइसक्रीम पार्टी है। जी, कैमरामैन हमारे को खाने थे आइसक्रीम एंड वॉफल्स, हमने ड्राइव बाय करते हुए एक जगह देखी थी, इसका नाम है नीनाज वॉफल एंड आइसक्रीम, यही नाम है जी? यही नाम है। हाँ, नीनाज वॉफल एंड आइसक्रीम, बैठने की जगह छोटी है मगर अच्छी है, लेकिन है वही ओल्ड वाइट किस्म की चीज़, और यहाँ पे फ्रेश वॉफल्स बना रहे हैं, साथ आइसक्रीम जो है वो अच्छा है, वॉफल अच्छा है, आइसक्रीम भी अच्छी है, तो ये जगह ट्राई कर सकते हैं अगर इस एरिया में आप हैं। तो बेसिकली हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, मीठा आपने कहाँ से खाना है, खाना कहाँ से खाना है, ठीक है। अगर आपको जो है म्यूज़ियम हमने आपको दिखाया था पिछले एपिसोड में, वो अगर घूमने आ रहे हैं तो इस साइड में ज़्यादा दूर नहीं है उस लोकेशन से, मेरे ख्याल 10 मिनट की ड्राइव है, 7 मिनट 8 मिनट। हाँ, तो बेसिकली ये डॉल्स टाउन में है वो म्यूज़ियम, जो वैम्पा म्यूजियम हम गए थे, तो डॉयल्स टाउन का बेसिकली डाउन टाउन है, तो अगर आप सर्दी में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको हॉट चॉकलेट और इस तरह की चीज़ें भी जरूर पीनी होगी अगर आप डाउन टाउन में वॉक कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप आइसक्रीम हर हर जगह नहीं खा सकते, यहाँ कॉर्नर में स्टारबक्स भी है जो बहुत पुरानी हॉट चॉकलेट लेनी है। आपने जो फ्रेंच पेस्ट्री शॉप जहाँ गए थे वो बिल्कुल ना लें, आपका मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा, वो धब्बा है हॉट चॉकलेट के नाम पे, उस पर वनीला मिला के दिया हुआ था उसने, पता नहीं क्या था वो, ठीक है। तो अभी हम स्टारबक्स की भी लेंगे यहाँ से, तो वो भी आपको जे जो है वो अपनी जबान अपनी जबानी वो किस्सा भी सुनाएंगे कि वो हॉट चॉकलेट उनको कैसी लगी। लेकिन डेफिनेटली ये 2 प्लेसेस जो हमने देखे हैं अभी, वो फ्रेंच पेस्ट्रीज वाली जो शॉप है और नीनाज वाफल एंड आइसक्रीम, ये दोनों जो है वो आप ट्राई करें, यहाँ की आइसक्रीम जेलाटो वाफल्स और पेस्ट्रीज जो है वो ट्राई करें। ये देखें फ्रेश वाफल्स बन रहे हैं, जैसे आप ऑर्डर करते हैं तो वाफल्स ये यहाँ मशीन से फ्रेश बना रहे हैं और निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी सिलेक्शन है आइसक्रीम की जो आप अपने वाफल्स के साथ ले सकते हैं। ले जी, हम निकल पड़े हैं डॉयल्स टाउन के डाउन टाउन में, वॉक कर रहे हैं, सर्दी जो है जी टका के है, क्या ख्याल है? बिल्कुल जी टका के सर्दी, हाँ। है, और जे का मूड जो है वो हो गया खराब, क्योंकि हॉट चॉकलेट जो उन्होंने वो फ्रेंच पेस्ट्रीज वाली शॉप से ट्राई की थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। तो अभी हमने एक स्टारबक्स देखा है कॉर्नर पे, हम वहां जा रहे हैं ताकि जे जो है वो थोड़े
वार्म अप हो जाए। टेस्ट जो है वो हो गया है मेरा खराब। टेस्ट तो बढ़ गया है। तो टेस्ट तो बढ़ गया है, बढ़ गया है टेस्ट। हम मे भी थोड़ी देर के बाद ट्राई कर सकते हैं। अभी ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि फिर हमने गाड़ी की तरफ नहीं देते। नहीं लेनी नहीं, जी जे का मूड हो गया खराब और जा रहे हैं। मूड खराब हो गया, जे का मूड हो गया जी खराब। कह रहे हैं जी अब स्टारबक्स की भी नहीं चल रही है। हमारा जब टेस्ट वापस आएगा हाँ, उसके बाद जो भी शॉप दिखेंगे हम वहाँ से फिर ट्राई मार लेंगे। हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं स्ट्रेट जो है पार्किंग। अभी पार्किंग पे जा रहे हैं। ये हमने ये देखे पीछे डॉल्स टाउन के डाउन टाउन में जो है हम वॉक कर रहे हैं। अच्छा छोटा सा टाउन है, यूरोपियन वाइब है और वॉक के लिए अच्छा है। वेदर थोड़ा और अच्छा हो तो आप बच्चों के साथ बिल्कुल एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए अभी इट्स अ बिट टू कोल्ड, तो बच्चों के साथ आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जवान लोग, क्यों भाई, जिन जवान लोग वॉक कर सकते हैं, सनी पाजी जैसे लोग जो है वो वॉक कर सकते हैं। हाँ। अगर आप जैकेट पहने, टोपियां पहने, उससे बाहर ही वॉक करें। हाँ, वरना फिर नजला, जुकाम, निमोनिया सब कुछ होने वाला। तो अपने आप को अच्छे से कवर करें। ले जी, हमारा डॉयल्स टाउन में आवारागर्दी आज की हो गई है ख़त्म और नन्ही परी अब घर को चली और हमने खाया पिया है। बहुत अच्छा आज का दिन रहा है। डॉयल्स टाउन अच्छा छोटा सा टाउन है। अब हम घर को जा रहे हैं जी। क्यों, हाँ जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा जी, अब हम घर को निकलेंगे क्योंकि अब टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। और टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट हमने दिन जो है वो बहुत स्पेंड कर लिया है। अच्छा, नहीं 12 बजे, 6 या 7 बजे में आज 6-7 बजे हैं, मगर हमारा दिन जो है अब खत्म हो गया। हाँ, थोड़ा जाके हम घर पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे अगली प्लानिंग क्या करनी है। हाँ, अगली प्लानिंग क्या है वो आपको हम बाद में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन और इसी तरह वीडियोज जो है वो आप देखते रहें। ले जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, तो ख्याल रखें अपना और हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ जी।